कितना पानी आया था घर में? इतना पानी आया था, यानी पूरा घर ही 5 फुट लग गया। 5 फीट घर में पानी था, यानी इतना ज्यादा नुकसान हुआ, यानी घर की सारी चीजें एकदम खराब हो गई। जो भी घर की कोई चीज बची नहीं है, सब डूब गया। खाली वही सेलिंग फैन बचा है बस। ये फैन जो ऊपर लगा है बस वो बचा है, बाकी पूरा घर ही बर्बाद हो गया। जितना दवा मारने ही नहीं चाहिए उसको। हाँ, ये म्युनिसिपैलिटी आया सबको दुबाने के लिए आया। सही बोल रहे हैं, घर में अनाज भी नहीं बचा है खाने के लिए, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, क्या बचा है, कहाँ रहेंगे हम लोग? सही है, सही है। कोई देखने की भी नहीं आता, इधर वीडियो वाला भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। मंडी के बाद आएंगे बोलना, अभी हम लोग 2:30 बजे रात से जो है ऐसे जो है बनाने वाले थे। क्या हुआ ये अभी एयरपोर्ट बनाने वाले और रोड बनाने वाले क्या हुआ? ये दीवार का के लिए बनाए, ये हम कहा जाएंगे? सोएंगे किधर? लाल बच्चे बाल बच्चे ये मरेंगे हमारे बाल बच्चे लेके। आप फुकट का रास्ता बनाने वाले, वो अलग रास्ता बनाने वाले थे, तुम लोग कुछ भी नहीं करते, अरे हाँ हाँ करते बस आते, वो मीडिया वाला भी आते, कौन भी ना आता। अनिता, इतना पानी यहाँ क्यों भर रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में एयरपोर्ट का भराव और ये जो दीवारें हैं इसके वजह से पूरे मोहल्ले का यही कहना है। मतलब ये जो दीवार बनी है ये सामने जो नजर आ रही है कंपाउंड वॉल, इसकी वजह से यहाँ घरों की तरफ पानी आ रहा है। हाँ, घर की तरफ पानी आ जा रहा है। और आपके घर का तो इतना नुकसान हुआ कि सीलिंग फैन के अलावा कुछ बचा नहीं? फैन बचा है सर, बाकी तो सब डूब गया है। अगले साल पानी देता था, ये साल आया जवाब। हर साल सबको ये मालूम था पानी कम आता हो, अब तो पानी इतना आ रहा है जब पूरे अपने पत्थर तक पानी आ गया। पहले कभी ऐसा पानी भरता नहीं था, पहले कभी ऐसा नहीं आता था, अभी कैसा है ये पानी जो है ना, पिछले हफ्ते से भी ये बाउंड्री मार दिए ना तो पानी भी फटाफट नहीं निकलता है। मतलब ये दीवार बन गई है, इससे नुकसान हो रहा है, वजह से ज्यादा पानी बढ़ रहा है। आगे जो एयरपोर्ट के लिए भरा हुआ है उसके लिए जो पूरी दीवार बनी है उसके लिए भी है। तो पहले पानी को जो उधर जगह मिल जाती थी, स्पेस मिल जाता था, वो पानी पूरा घरों की तरफ आ रहा है। अभी इधर मतलब दीवार बनाने से पहले ये सोचा नहीं गया कि अगर पानी इधर आता है तो कितना नुकसान हो सकता है? झोपड़े को उतना ध्यान ही नहीं दिया, ये साइड से अगर झोपड़े की साइड से मारे होते थे बाउंड्री तो उतना पानी ही नहीं आता था, जो वो साइड में निकल जाता था। जो अभी हम लोग यहाँ पे जो 8-10 साल से 15 साल से रह रहे, इतना ये जो ये सामने दीवार नजर आ रही है उसकी वजह से नुकसान, हाँ, इसके वजह से ज्यादा ही नुकसान हो रहा है। पानी ही नहीं खींच रहा है, अभी पटाखे नहीं निकल रहा है, पहले कैसा था आधे घंटे में निकल जाता था पानी का, पूरे पूरे घर बर्बाद हो गए, घर की कोई चीज बची नहीं, कोई चीज नहीं बचा हुआ है। अच्छा, आपने जहाँ हाथ रखा है वहाँ तक पानी आया था? हाँ, यहाँ तक पानी आया था। घर की सारी चीजें खराब हो गई होगी,
कुछ भी नहीं बचा है।